ये है मुकाबला। मैं परमान राजवाड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कंदरई के एकता स्टेडियम से, और हैदराबाद आर्मी हैदराबाद वर्सेस सरगुजा अदानी के मध्य मुकाबला हो रहा है। तकरीबन 90 मिनट मुकाबला चलेगा। मेरा यूट्यूब है परमान राजवाड़े पर्सनल ब्लॉग, उसमें जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कंदरई के एकता स्टेडियम सूरजपुर और सरगुजा के मध्य में चारों तरफ से पर्यावरण से हरा भरा स्टेडियम, तकरीबन 50,000 से ऊपर दर्शक का साक्षी बनते हुए 2024 का बड़ा मुकाबला है। और बेहद ही खूबसूरत लड़कियां लोग भी इस मुकाबला को देखने के लिए आए हैं। लोगों के अंदर किस तरीके का रोमांच है आप इसी चीज़ से सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शुरुआत हो चुका है मुकाबला का, अभी 0-0 से बड़ा मुकाबला है। चेयर्स गर्ल्स भी पहुँचे हुए हैं, आप यहां पर कैमरा से सहज अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना है क्रेज लोगों के अंदर एक बड़ा मुकाबला को देखने के लिए, 2024 का फाइनल मुकाबला। और ये टूर्नामेंट चलता हुआ बहुत ही ज़बरदस्त, शुरुआती लम्हों से काफ़ी उत्साहित थे लोग, और बड़ा मुकाबला है। हमारे यूट्यूब में जाइए, लाइक और फुटबॉल का महामुकाबला कंदरई में होता हुआ देखिए। लोगों को खड़ा होने के लिए सीट नहीं है, खड़ा हो गए हैं, और दूर दूर से पहाड़ी है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कंदरई हो गया, बासेन हो गया, सूरजपुर जिला से 50 से ऊपर से आस पास गाँव के लोग 50,000 लोग भी पहुंचे हुए हैं। हैदराबाद वर्सेस सरगुजा अदानी के मध्य तकरीबन 8 बड़ा मुकाबला नेशनल लेवल के खिलाड़ी को हरा करके जीते हैं। बाल साई रजवाड़े जो कि भड़गांव जरही से आते हैं, वो भी डेनमार्क से बिलोंग किए हैं। डेनमार्क से नेशनल लेवल के खिलाड़ी जो सरगुजा अदानी से खेल रहे हैं, नाटेकत के हैं लेकिन काफ़ी जीनियस लगते हैं। ओके, दफ़ा जिता चुके हैं यहाँ पर अदानी टीम, 5 बार जगह बनाया और फाइनल मुकाबले में अपने नाम किया है। हैदराबाद पहली बार जगह बनाया है, देखना है क्या होगा मुकाबला। तो बड़ा मुकाबला दुधिया प्रकाश में चलता हुआ, तो फुटबॉल महामुकाबला महाकुंभ चलता हुआ। लेफ्ट हैंड इलाका का जो व्हाइट और रेड का कम्बिनेशन अदानी है, और चटक नीले कलर के टी शर्ट से लवरेज हैदराबाद आर्मी हैदराबाद के खिलाड़ी यहाँ पर संघर्ष करते हुए। तकरीबन 90 मिनट का मुकाबला होगा। मैं परमान राजवाड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फाइनल मुकाबला 2024 का एक केंद्रीय के एकता स्टेडियम पे। दुधिया प्रकाश हल्का गुलाबी चलता हुआ आगे बढ़त बनाते हुए, तो तमाम गति चलता हुआ बहुत ही बढ़िया लय में दिखाई देता हुआ, और 9 नंबर के जर्सी के पास गया है, और लगातार चकमा एक दूसरे को आगे ले जाने का धकेलने का कोशिश करते हुए, तो एक बढ़त बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए नज़दीकी मामला है, गजब का हो सकता है, और बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया, खतरनाक गोल हो जाता तो कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। लगातार दबाव बनाने का कोशिश करता हुआ हैदराबाद के खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड इलाका से कह सकते हैं नीले चटक रंग के जो हैं हैदराबाद के खिलाड़ी, और राइट हैंड इलाका में कह सकते हैं, अब 12 नंबर के जर्सी के पास है, वहाँ पर दौड़ रहे हैं, देखना है क्या होगा। बहुत ही बड़ा मुकाबला मजबूती के साथ, लेकिन गोलकीपर के पास समाता हुआ। ये बड़ा मुकाबला है 2024 का, तगड़ा मुकाबला। धीरे धीरे सूर्य देवता ढलता हुआ, लेकिन फुटबॉल का ढलान किधर होगा ये फिलहाल देखना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त जोशीले अंदाज पर 2024 सक्सेसफुली फाइनल टूर्नामेंट स्ट्रगलिंग मैच द IM परमान राजवाड़े सो यूट्यूब परमान राजो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हल्का गुलाबी हवा चलता हुआ काफ़ी अद्वितीय अनूठा अविस्मरणीय पल इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। मैं कमेंट्री करते हुए भी ऐतिहासिक पल का ये गवाह बनता हुआ, और ये कह सकते हैं पुलिस प्रशासन जो कि TI से फिरदोसी सर भी यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर परिचय प्राप्त करने के बाद प्रारंभ हो चुका है, और आगे बढ़ाए हुए हैं बढ़त बनाते हुए। रेफरी बचता हुआ आउट का, और यहाँ पर लंबा ऊंचा हाइट किया है लेकिन सिर पर पड़ा है, हेड किया था लेकिन उतना ही मुस्तैदी के साथ मुकम्मल करना चाहते, दोनों टक्कर मुकाबला, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। लेकिन पीछे तरफ जब आग लगता है तो कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना होती है, वो तमन्ना किसके हक में जाएगा फिलहाल वक्त इंतजार करना पड़ेगा। और हवा से नज़दीकी मामला, देखना है क्या होगा। अदानी के बीच में अग्नि परीक्षा चलता हुआ, बहुत ही जबरदस्त आकर्षक बहुत ही जबरदस्त, और बालसाई के नज़दीक गया है जो कि डेनमार्क से खेल कर आए हैं, जो कि जरही से आते हैं, और हल्का चोट पड़ गया है वहाँ पर, देखते हैं और झुकते हुए लगा है शायद कहीं पर, देखते हैं बालसाए संभवतः जरही के, और शोर शराबा होता हुआ काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ, दोनों तरफ के खिलाड़ी लगातार वहां पर गए हैं, और काला कलर के जो कोच हैं सहायक रेफरी जो वहां समझाए हैं कुछ हुआ है। बहुत बढ़िया बड़ा मुकाबला है, यूट्यूब के अंदर आप जाइए, फेसबुक में भी जाइए, इंस्टाग्राम में भी जाइए, ट्विटर में भी जाइए, परमान राजवाड़े हैशटैग कीजिए, कंदरई फुटबॉल टूर्नामेंट बिल्कुल आप लाइव देख सकते हैं।
बड़ा मुकाबला है दुधिया प्रकाश में चलता हुआ। तकरीबन 51,000 दर्शक पहुंचे हुए हैं। बेहद ही खूबसूरत लड़कियां लोग भी इस मुकाबला को देखने के लिए आए हुए हैं। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कंदरई के टीम से काफ़ी सपोर्टर हैं। तकरीबन 32,000 से पूरा टीम है कंदरई की तरफ। 5 बार अपने नाम कर चुका है अदानी की टीम। और बहुत बड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला चलता हुआ। काफ़ी क्रेज है। 16 नंबर के जर्सी के पास गया है, चहलकदमी करते हुए पास देते हुए गया है। एक दूसरे को खेलने का कोशिश करते हुए शुरुआती लम्हा है। काफ़ी क्रेज चलता हुआ। और इधर से आप देख सकते हैं कितना क्रेज है लोगों के अंदर। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से क्रेज। कंदरई के ऐतिहासिक एकता स्टेडियम पे मुकाबला 2024 का चलता हुआ, काफ़ी नज़दीकी मामला चलता हुआ। बड़ा मुकाबला है, देखना पड़ेगा नज़दीकी मामला। फायर किया था लेकिन गलत दिशा की तरफ चल दिया। देखिए वो दर्शक दीर्घा में जाता हुआ। बड़ा मुकाबला था, बड़ा टाइट लगाया था, बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ खेला था। तो बड़ा मुकाबला है, रोमांच को देखते नहीं बन रहा है। फाइनल मुकाबला 2024 का बड़ा आंकड़ा चलता हुआ, दुधिया प्रकाश चलता हुआ और बड़ा मुकाबला चलता हुआ। अदानी सरगुजा अदानी और आर्मी हैदराबाद के मध्य मुकाबला चलता हुआ। देखना है, टक्कर का मुकाबला है। 90 मिनट में कम से कम 10 मिनट हो चुका है, क्या होगा मुकाबला। लेकिन यहां पर बिल्कुल दम साधे हुए सांस रोक कर देख रहे हैं खिलाड़ी, क्या होगा। दिल अंतिम क्षण तक दिलचस्प बना हुआ, और फुटबॉल के ही दिलचस्पी काफ़ी रोमांच करता है। और रेड और वाइट कलर के टी शर्ट से लवरेज हैं सरगुजा अदानी के खिलाड़ी। एक बार चकमा दिया है पकड़ने का कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत ही तगड़ा मुकाबला, टाइट मुकाबला चलता हुआ। एक दूसरे को चकमा देने का कोशिश। फाइनल मुकाबला है, और फाइनल मुकाबला में करो या मरो का मुकाबला चलता हुआ, पसीना से ओत प्रोत होता हुआ, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देता हुआ। और नज़दीकी मामला है, एक दूसरे को देखते हैं रणनीति क्या होगा। हम सीधा कोच से मिलेंगे कि आज का रणनीति क्या है दोनों तरफ के कोच से। शुरुआती लम्हों में एक बार फिर बता दूं कि आज जो कि 4-5 फरवरी को खेला जा रहा है 2024 का। और कल सेमीफाइनल 2-4 टीम ने भाग लिया, जिसमें लखनऊ वर्सेस कंदरई के मध्य खेला गया, जिसमें कंदरई यानी कि सरगुजा अदानी के मध्य खेला गया। जैसे लखनऊ को अदानी ने 1 गोल से जीता और अपना फाइनल मुकाबला में अपने नाम किया। और बहुत बढ़िया, हैदराबाद वर्सेस बड़ा मुकाबला है। फायर किया है आसमान की तरफ, तैरता हुआ फिसलता हुआ आगे जाएगा, लेकिन देखना है क्या कर पाते हैं। बड़ा मुकाबला है, बड़ा रोमांचक, दिलचस्प साधे हुए दर्शक, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ काफ़ी दिलचस्पी के साथ। लेकिन गोलकीपर जो कि मेहरून कलर के टी शर्ट से लवरेज हैं, काफ़ी मस्त मौला अंदाज पर करते हुए, काफ़ी रोमांच मुकाबला है। और देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत लड़कियां लोग भी इस मुकाबला को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, फुटबॉल का दीदार करते हुए। और चीयर्स गर्ल्स भी आनंद लेते हुए, जब गाना बजेगा तभी वो डांस करेंगे। और देखिए बाहर, ये मैं बता दूं कि स्टेडियम के जो कंदरई के नज़दीक का जो इलाका है, हरा भरा पूरी तरह से जंगल है। जंगल के बीच में गोद में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत स्टेडियम एकता स्टेडियम, जो कि 56,000 दुनिया का और सरगुजा का इकलौता स्टेडियम कह सकते हैं। इसी पर फाइनल मुकाबला 2024 में चलता हुआ, 1984 से लेकर 2024 यानी कि 40 वर्षों से बड़ा मुकाबला। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी यहां पर जलवा बिखेरते हैं, परफॉर्मेंस अपना करते हैं। और अदानी ग्रुप जो कि सरगुजा अदानी के नाम से जाना जाता है, वो 5 बार यहाँ पर फाइनल मुकाबला जीत चुका है। तो तमाम कड़ी जानकारी आपको अवगत करा रहा हूँ। और कोई भी टीम अभी तक गोल नहीं दाग पाया है, इसी चीज़ से सहज नज़दीकी मामला है, खतरनाक हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा नज़दीक जाता है तो दिल कांप जाता है, सहर्ष सहर्ष जाते हैं। लेकिन बड़ा मुकाबला है और बहुत ही ज़बरदस्त फिसल करके खेल रहे हैं। और 11 नंबर के जर्सी के पास है, लेकिन ओहो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रोमांच, बहुत ही आकर्षक, यही है फुटबॉल का रोमांच। दिल की धड़कनें बढ़ जाता है। शायद यहाँ पर पहला पावर प्ले का चलता हुआ कॉर्नर का, और एक कॉर्नर से हिट करते हैं तो बहुत अच्छा खेल पाते हैं, तो गोल में भी तब्दील कर देते हैं, अन्यथा नाकाम कर देते हैं। तो तमाम जानकारी यहाँ पर मिलता हुआ।
मैं परमान रजवाड़े एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं एकता स्टेडियम कंदरई से। सरगुजा संभाग का सूरजपुर जिला किकलौता स्टेडियम 24,000 से ऊपर चलता हुआ और कार्नर, पहला कार्नर रेस कह सकते हैं। और ये बड़ा मुकाबला है, देखिए किक किया है और आसानी से 7 नंबर के जर्सी के पास भेज दिया है। वहाँ पर ओ हो, थोड़ा सा बच गया। अच्छा, कोण बनाने का कोशिश किया था हेड से, लेकिन बच गए, गफलत हो गया, नहीं तो काम तमाम हो जाता। मेरे साथ कमेंट्री करते हुए मेरे को भी रोमांच होता हुआ और एक चना जो दाल होता है उसको भी यहाँ पर खाते हुए लगभग आनंद लेते हुए। और चना फुटेरा का भी खास प्रबंध किया गया है स्टेडियम के बाहर, जो भूख लगे और नज़दीकी मामला हो सकता है। ओ माय गॉड, ब्लेस यू प्लेजर, नो मिस्टेकिंग, सो वेरी प्लेजर, सो डाउन, सो अगर थोड़ा सा निचली रहता तो काम तमाम हो सकता। बहुत दबाव बनाने का कोशिश करते हुए, लेकिन दिशाहीन होता हुआ उतना ही मुस्तैदी के साथ होता हुआ। अगर थोड़ा सा नज़दीकी रहता तो यही है फुटबॉल का रोमांच बनते हुए। दोनों टीम के खिलाड़ी कोई भी गोल नहीं मार पाए हैं, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला है। और वही टीम फाइनल में पहुंचता है जो कि 11 टीम को हरा कर पहुंचे हुए हैं। 40 वर्षों का बड़ा मुकाबला चलता हुआ, देखिए फिसलते हुए गिरते हुए सब कुछ यहां पर जायज होता हुआ लौटते हुए। अदानी टीम के 2 खिलाड़ी यहां पर चोटिल हल्का हो चुके हैं। हैदराबाद के खिलाड़ी यहां पर काफ़ी हाइटेड हैं, 5.5 फुट आसपास से ऊपर हैं, 6 फुट आसपास। और अदानी ग्रुप के खिलाड़ी काफ़ी थोड़ा कद कम दिखाई देता हुआ। तो ये सब कुछ यहाँ पर, लेकिन कद को मत नापिए। अब उनका खेलने का जो क्वालिटी है, तकनीकी है, उसको लगातार 6 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, जो कि पीजी कॉलेज अंबिकापुर में, वहीं पर अदानी ग्रुप की स्पेशल कोच द्वारा, जो कि यहाँ पर और इनका कोच है अदानी ग्रुप के, बता दूँ कि लांबा साहब, जो कि 1967 से लेकर 2010 तक अपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेर चुके हैं, वो कोच का यहाँ पर जिम्मेदारी और सचिव रहे हैं। सूरजपुर जिला के फुटबॉल संघ के सचिव हैं लांबा साहब, जो कि 68 वर्ष से यहाँ पर बिल्कुल युवा की तरह दिखाई दे रहा है। अदानी उसी का तारतम्य, उसी का नेतृत्व में बड़ा मुकाबला होता हुआ और आगे ले जाने का कोशिश करते हुए, लेकिन लेफ्ट हैंड फुट से थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए, अपने आप को संतुलन बनाने का कोशिश करते हुए आगे पीछे, और बहुत ही बढ़िया, लेकिन दबाव किधर जाएगा। और जितना समय व्यतीत होता चला जाएगा, आप थकते चले जाएंगे, लास्ट मोमेंट में कहानी बदलेगा, ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दर्शक भी दिन ताले, एक गोल जिधर पड़ेगा, हल्ला अभी तक नहीं हुआ है। 11 मिनट का खेल मुकाबला हो चुका है, शोर शराबा बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों में कितना सन्नाटा, दर्शक सन्नाटा नहीं रहना चाहते, लेकिन एक गोल नहीं पड़ा है तो आप गोल का इंतजार करते हुए बेसब्री से, मुख्य अतिथि भी यहाँ पर बेसब्री से इंतजार करते हुए, खासतौर वो अगर